आज अगर मैं अपने जज्बात को इस कलम के जरिए कागज पर उतार पा रही हूँ तो केवल अपनी माँ की कोशिशों के कारण, क्योंकि अगर माँ ने तकलीफों का डटकर मुकाबला न किया होता तो शायद अब तक हम सब खत्म हो चुके होते। उसने अपनी जिंदगी में चाहे कितने ही सावन देखे हों, पर उसका सारा जीवन तो पतझड़ के साथ ही बीता है। हिमाचल के कुल्लू जिले में बसे इस गांव बाहो की फिजाओं में उसकी दर्द भरी जिंदगी की गूंज आज भी सुनी जा सकती है। मैंने सुना था कि कभी ना रुकने का नाम ही जिंदगी है, और ये बात मैं अपनी माँ को देखकर अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि न जाने कितनी यातनाओं और दुखों को झेलने के बाद भी लगातार आगे बढ़ने और जिंदगी को पूरी तरह जीने का जोश और गजब का आत्मविश्वास उनमें आज भी मौजूद है। शायद इसीलिए इतनी तकलीफों के बाद भी आज वो अपने आप से संतुष्ट नजर आती है। उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव, उसकी हिम्मत, हौसले और आत्मविश्वास के पीछे अगर मैं कोई चीज देखती हूँ तो वो है यहाँ चला साक्षरता अभियान, जिसने मेरी माँ चंद्रा ठाकुर को एक कमजोर और हताश, निराश, दुखी औरत के लबादे से बाहर निकालकर जीने की एक नई राह दिखाई, उसके कदमों को रवानी और आंखों को नए सपने दिए, उन्हें पूरा करने का हौसला दिया। बचपन से जवानी तक लगातार दुखों को झेलने के कारण मेरी माँ एक समय जीवन से पूरी तरह ऊब गई थी, लेकिन 1992 में हिमाचल प्रदेश में शुरू होने वाला साक्षरता अभियान माँ के लिए वरदान बनकर आया। इस अभियान ने न केवल उसे हिम्मत दी, तकलीफों से लड़ने की ताकत दी, बल्कि जीने का मकसद भी दिया। चंद्रा की सबसे पहले 1992 में मेरे से मुलाकात हुई। वहाँ पर हम एक महिला जागरूकता शिविर लगा था, जागरूकता शिविर में चंद्रा जी भी आए। ये वहाँ पर एक वीडियो ऑफिस में एक कर्मचारी को दूध छोड़ने आते थे। दूध छोड़ने के बाद जब कर्मचारी ने इनको प्रेरित किया कि आप भी इनके महिला जागरूकता शिविर में जा सकते हैं, जागरूकता शिविर में जिस तरह से महिलाओं का पंजीकरण होता है, चंद्रा जी के पास भी जब हमारा पंजीकरण रजिस्टर गया, चंद्रा जी ने जब पंजीकरण से इनकार कर दिया, जी मेरे को साइन करने, मैं बिल्कुल हस्ताक्षर नहीं कर सकती। मैंने कहा इस नौजवानी में आप क्यों नहीं कर सकते, क्या आप शर्मा रहे हैं? बोला शर्माने की तो बात ही नहीं, मैंने स्कूल का दरवाज़ा सिर्फ 6 दिन दिखा हुआ, तो मुझे लिखना वगैरह कुछ नहीं आता। तो मैंने उसी टाइम बोला चंद्रा जी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। साक्षरता अभियान ने चंद्रा ठाकुर यानी मेरी माँ को वो हौसला दिया जिसके बल पर उसने न केवल जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया, बल्कि अपने समाज की कुरीतियों के खिलाफ भी उठ खड़ी हुई और फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। दूसरों के लिए हिम्मत की मिसाल बन चुकी चंद्रा ठाकुर आज अपने दम पर खड्डी का व्यवसाय चलाती है। इन्होंने थोड़ी बहुत ही खड्डी का जो खड्डी चलाने का काम भी सीखा था, पहले इनके पास हथकरघा होता था इस तरह के, अब तो सिंगल खड्डी भी इन्होंने बनाई। तो उसके बाद हमने वहाँ जो ईओ इंडस्ट्री था उनसे बात करके कि भाई एक गरीब महिला को खड्डी मिलनी चाहिए, खड्डी सेंटर बीडीओ ऑफिस की तरफ से मिला, जिसमें जो है मतलब इनका जो है मतलब आज भी इनकम 5-6 हज़ार रुपये महीने की है। 1995 से ये खड्डी का सेंटर अपने गांव बाहू में चला रही हैं और तकरीबन 30 महिलाओं को खड्डी का प्रशिक्षण दे रही हैं ताकि उन महिलाओं का भी आर्थिक उत्थान हो। मेरे साथ जितनी भी जो लड़कियां हैं, जो यहाँ भी लड़कियां होती है, मैंने जिसको भी सिखाया है उन लड़कियों को भी मैं ऐसे ही बताती हूँ। जैसे ट्रेनिंग थी, कम से कम 300 महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दे दी है। वो आजकल अपने जैसे एक पट्टू बनाना, ये वाला पट्टू बनाना ये 3500 रुपये का मिलेगा आजकल। चंद्रा जी ने और भी सीखने का आगे कोशिश की कि भाई फिर इन्होंने ये सोचा कि भाई मैं क्यों ना हर मीटिंग में जाऊँ, तो ब्लॉक स्तर की, डिस्ट्रिक्ट स्तर की और राज्य स्तर की बैठकों में लगातार ये आते रहे और वहाँ से अपनी जानकारी हासिल करते। गांव में उसकी पहचान एक संघर्ष करने वाली बहादुर औरत की है, जो अपने इलाके के लोगों को अपनी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने की प्रेरणा देती है। यही नहीं, इन समस्याओं को हल करने के संघर्ष में भी माँ हमेशा उनके साथ खड़ी होती है।
गांव के विकास के लिए बनी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना भी चंद्रा ठाकुर अपना फर्ज समझती है, क्योंकि वो जानती है कि जानकारियों के अभाव में गांव के लोग इन योजनाओं का कभी पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे और इसके अभाव में यहाँ का सम्मान हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। इनका तो बहुत फायदा है जी, क्योंकि ये हमें मतलब नई नई जानकारियाँ देते हैं गांव में आके। खड्डी सेंटर मंगाया है, उसका फायदा हुआ। कोई केंचुए के बारे में बोला है, उसका फायदा हुआ। खाद बनाई है, उसका फायदा हुआ। एक नवसाक्षर महिला की अपने आप में ये जो उपलब्धियाँ वो कम नहीं है जो समाज की भलाई के लिए कर रही। चंद्रा जो कुछ भी है वो उसकी मेहनत और हौसले का नतीजा है, वरना शादी के बाद तो माँ की जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी थी। अनपढ़ होने के कारण वो अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ पाने में खुद को असमर्थ पा रही थी। हर कदम पर अनपढ़ता उसके पाँव की बेड़ी बन रही थी, इसलिए न पढ़ पाने का दर्द उसे हर पल सताता रहता और वो सोचती रहती कि काश आज अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो शायद मेरी ये हालत ना होती। ठीक इसी वक्त 1992 में पूरे हिमाचल प्रदेश में हर निरक्षर को साक्षर बनाने के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया। मैं एक नई उम्मीद के साथ साक्षरता अभियान में शामिल होने के लिए पहुंची, लेकिन उस वक्त उसे मना कर दिया गया क्योंकि तब तक साक्षरता की कक्षाओं में मिलने वाली सारी किताबें खत्म हो चुकी थी। माँ इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, वो हर पल सही मौके की तलाश में रही और जल्द ही उसे मौका मिल भी गया। माँ हर रोज दूध बेचने के लिए नजदीकी शहर बंजार के खंड कार्यालय में जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात साक्षरता अभियान की संयोजक भृखमु नेगी से हुई। माँ की पढ़ने की प्रबल इच्छा को देखते हुए नेगी जी ने उसे ऑफिस में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। दफ्तर में हमारे यहाँ आती थी और दूध बेचने का काम, जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको दूध जितने बांटना सुबह आके। जब ये दूध छोड़ने आते थे वहाँ तो पढ़ते थे, जब इन्होंने पढ़ना तो इन्होंने जो पढ़ने का शौक इतना जाहिर किया कि भाई ये तो होता कि भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती, इनको जरूरत थी पढ़ने की। जब इन्होंने पढ़ा काफी शौक जताया और इन्होंने कुछ ही महीनों में हमारे जो हिम चेतन हुआ के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइम तीनों पढ़ ली। माँ जिंदगी में शायद पहली बार इतनी खुश हुई थी, आखिर उसे जीने का मकसद जो मिल गया था। तब से हर रोज सुबह जब वो दूध लेकर ब्लॉक ऑफिस जाती तो वहीं पढ़ने बैठ जाती। इस तरह जल्द ही उसने साक्षरता प्राइमर के तीनों भाग पूरे कर लिए और फिर खुद भी साक्षरता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी। साक्षरता अभियान ने उसे एक नई समझ दी, अपने जीवन और समाज को देखने की एक नई नजर दी। कुछ नया और अनोखा कर गुजरने का जज्बा उसके दिल में पनपने लगा। इस तरह नित नए विचार और नई चेतना हासिल करते हुए वो हर दिन और ज्यादा मजबूत और परिपक्व होती चली गई। मेरी माँ ने बचपन में बहुत गरीबी और मुश्किलें देखी थी। उनके पिता बहुत बीमार रहते थे, यहाँ तक कि वो चल फिर भी नहीं पाते थे, इसलिए घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी नानी, मेरी माँ और उसकी बहनों पर थी। दिन भर पिताजी की देखभाल में लगे रहने के कारण ही चंद्रा यानी मेरी माँ स्कूल भी नहीं जा पाई। दाखिला लेने के 7 दिन बाद ही उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। घर और पिता की बीमारी का खर्च चलाने के लिए उस छोटी सी बच्ची को दूसरों के घरों और बागों में मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ी। कड़कती ठंड में सड़क बनाने का काम भी करना पड़ा। जब वो छोटी सी थी 8 साल की, तभी से उसका जो था घर का, इसके पिताजी बीमार रहते थे, उनको कैंसर था, तो उनके इलाज के लिए छोटे से ही इसने बाल मजदूरी के काम से कार्य शुरू किया और उनके जो है इलाज में योगदान दिया। इनके पास पैर में लगाने के लिए जूते भी नहीं होते थे, जो इन्होंने कहानी बताई तो उससे एकदम हमारा मन पिघल गया कि भाई मैंने इसके बाद 10-11 साल की उम्र में नंगे पाँव, जहाँ बहुत बर्फ होती, सहज इलाका है जी हमारा, वहाँ बर्फ जमी रहती है, बर्फ पिघलती नहीं क्योंकि वहाँ धूप नहीं लगती। तो इन्होंने दिसंबर और जनवरी महीने में किसी ठेकेदार के साथ पूरी पंचायत से अकेली लड़की ने जा करके वहाँ मजदूरी की। जंगल से पहले लकड़ी का वो जलाए पहले दिन शाम को, दूसरे दिन फिर उनके साथ हम बंजार पहुँचे। तो दूसरे दिन वो जो पहले दिन हम बंजार गए तो पहले दिन में ही 1 रुपये में लकड़ी का भूजा बेच दिया था। उसके बाद मैंने मजदूरी कमाई है यहाँ सेंज में, सड़क का काम किया है वहाँ, वो था जनवरी फरवरी में।
10 किलो दूध में उस वक्त बेचती थी एक टाइम, सुबह का 10 किलो दूध, तो यहाँ से लेके बंजार जाना 10 किलो दूध, 5 रुपए किलो दूध बेचती थी, दिन के 50 रुपए बन जाते थे। 5-6 साल की उम्र में ही उसे जंगल से लकड़ियाँ और गुच्छियाँ चुनकर उन्हें 3 किलोमीटर तक पहाड़ी का रास्ता तय करने के बाद दूर बाजार में बेचने जाना पड़ता। इस तरह का बचपन क्या होता है ये जानने का मौका मेरी माँ को शायद मिला ही नहीं। इसी तरह समय बीतता रहा और देखते ही देखते माँ इतनी बड़ी हो गई कि नानी और नाना को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। जवानी की दहलीज पर खड़ी लड़की को जंगल में भेजना माँ बाप के लिए आसान नहीं था, लेकिन गरीबी के कारण वो इस काम को छोड़ भी नहीं सकती थी। और ऐसे ही एक मौके पर जब माँ जंगल में गुच्छियाँ चुनते चुनते अकेली रह गई तो पड़ोसी गांव के सुखदयाल ने जबरदस्ती उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर उसे घोर मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं की गहरी खाई में धकेल दिया। ऐसी पीड़ाएं जिन्हें लोक लाज और आत्मग्लानी के कारण वो किसी के साथ साझा भी नहीं कर सकती थी। इस हादसे ने माँ को अंदर से इतना तोड़ दिया कि उसे घर वालों की इच्छा के खिलाफ अपनी अस्मत लूटने वाले 3 बच्चों के पिता सुखदयाल की दूसरी पत्नी बनने का कठोर फैसला लेना पड़ा। मेरा जन्म भी उसी हादसे का परिणाम है। शादी के बाद भी माँ को सुख नहीं मिला। मेरा पिता सुखदयाल अक्सर शराब पीकर उसके साथ गाली गलौज करता, बात बात पर मारपीट करता। हालांकि वहां भी घर का खर्च जुटाने की सारी जिम्मेदारी माँ की ही थी। कई बातें बोलते थे बुजुर्ग जो आदमी है, वो बोलते थे आपको पता है बाहर जो बाहर होते हैं ना, कहीं कुछ होता है, हो जाता है लड़कियों के साथ। हम सोचते थे नहीं होता ऐसा, जब हमारे साथ था अपने साथ हुआ, फिर किसी को ना बता सके हम कि ऐसा हुआ। हालांकि मेरी मम्मी बोल रही थी, मेरे साथ नहीं बताया था, मेरे मम्मी को भी नहीं बताया था, मम्मी को भी पता नहीं था कुछ भी, ना उनको बताया था हमने। इतना सब होने के बावजूद माँ डटी रही और साक्षरता अभियान के माध्यम से नव साक्षर भी हो गए। वो लगातार साक्षरता अभियान के कार्यक्रमों में शामिल होती रही और दूसरों की हर संभव मदद भी करती रही। उत्तर साक्षरता के दौरान तो उसने अभियान के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई गांवों में नव साक्षरों को जुटाकर परीक्षाएं दिलवाई। अपनी लगन और मेहनत के बल पर माँ पहली नव साक्षर पंचायत कोऑर्डिनेटर बनी। साक्षरता अभियान ने माँ को काफी सहारा दिया। वो अपनी सारी परेशानियों के बारे में अभियान के साथियों से बातचीत करती, उनकी सलाह लेती, जिससे उसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती। अब साक्षरता अभियान के साथ साथ माँ ने ज्ञान विज्ञान आंदोलन और समाज सुधार के दूसरे कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जितने भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी ये बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान, बेटी बचाओ अभियान, रक्तदान अभियान, सांझीवन योजना, एड्स जागरूकता और दूसरी सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं उनमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। साक्षरता आंदोलन में जिस तरह से चंद्रा जी का उत्साह बढ़ा और इनकी का जो विज्ञान बढ़ा और जानकारी बढ़ी, तो उसके बाद है ज्ञान विज्ञान समिति में भी इन्होंने जितने भी ज्ञान विज्ञान समिति के हमारे जैसे एक महीने में 2 बार मीटिंग होती, उसमें हमने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जगह जगह धार्मिक संस्थाओं के साथ, स्वयं सहायता समूहों के साथ, युवा मंडल के साथ, महिला मंडल के साथ जहाँ भी कैंप लगाए तो चंद्रा जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया कि भाई कैसे हम क्यों करते हम बेटियों की कोख में हत्या। तो चंद्रा जी ने इस तरह से जो साक्षरता आंदोलन को भी मजबूती दी और ज्ञान विज्ञान आंदोलन को मजबूती दी। पढ़ने के साथ साथ माँ महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में उनसे बात करती है और उन्हें बताती है कि औरतें अबला नहीं है और ये कि उन्हें नाइंसाफी और जोर जबरदस्ती के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। साक्षरता के दूसरे कायदे में उसने बेटी और बेटे में भेदभाव करने की गलत परंपरा के बारे में पढ़ा। उस पर इस बात का इतना असर पड़ा कि उसने मेरे जन्म की कुछ समय बाद दूसरी संतान पैदा न करने का फैसला लिया और परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन भी करवा लिया। उसके इस फैसले को अनेक लोगों खासकर महिलाओं ने खूब सराहा। ऐसा करके माँ ने समाज को बदलने की पहल खुद अपने से करके दूसरों के सामने एक मिसाल कायम कर दी।
चंद्रा जी ने तीन प्राइमर पढ़े थे, दूसरा प्राइमर पढ़ते पढ़ते इन्होंने पूछा कि भाई इसमें जो सातवां पाठ है उसमें लिखा है हुआ सिर्फ पुत्र ही क्यों, इनके एक ही बेटी थी, इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था, मैं तो एक बेटी के बाद पुत्र, मेरे तो यही मेरा पुत्र तो यही है। एक सबसे बड़ी बात थी, इन्होंने कोई भेदभाव जो हम लिंग अनुपात में हो रहा है लड़का लड़की में, वो एक साक्षर होने के बावजूद इन्होंने जब साक्षर हुए तभी इनको ज्ञान आया कि लड़का और लड़की समान है, तो उस भेद को भी ने दूर किया और एक लड़की के ऊपर ही इन्होंने ऑपरेशन कराया जो एक मिसाल है। चंद्रा ठाकुर जो है इसने एक बेटी पर सबसे आगे महिलाओं में सबसे पहले इसने एक बेटी पर ऑपरेशन किया, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन का ऑपरेशन। मेरी माँ के इस कदम को प्रशासन ने भी काफी सराहा, उसे प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन कार्ड प्रदान किया ताकि वो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आगे बढ़ सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके। इससे मेरी माँ को काफी हौसला मिला, उसने खड्डी की पूरी ट्रेनिंग ली और साक्षरता कर्मियों की मदद से घर पर ही खड्डी का सेंटर भी शुरू कर दिया। अब काम के साथ साथ उसने लड़कियों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। साक्षरता मिशन से जुड़ करके उसने खड्डी की ट्रेनिंग ली, खड्डी में काम करने की आत्मनिर्भर हुई और उसके बाद उसने बाकी महिलाओं को भी इसमें ट्रेनिंग दी और उससे जुड़ करके वो महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। मैं खड्डी का काम इन्होंने सिखाया मेरे को, चंद्रा देवी ने, और खड्डी का काम करके मैंने सिलाई सेंटर चलाया, फिर उसके बाद पांच लड़कियां ने उसको सिखाया, उसके बाद मैं घर में काम करती। हम चंद्रा जी के पास खड्डी सीखने भी जाते थे, सन 2005 में मैंने वहाँ पे काम किया है, पूरे साल मैंने वहाँ पे काम किया और अब हम अपने इस्तेमाल के लिए पट खुद भी बना सकते हैं। घर वाला तो मेरा कुछ नहीं बताता था, वो बोलता था तू कौन सी मैडम लगी, तो बाद में मैं मैडम ही बन गई। चलो मेरे पास भले 10 लड़कियाँ हो, 5 लड़कियाँ हो, 4 लड़कियाँ हो, वो तो मैडम तो है ही है उसमें, क्योंकि उनको मैं विद्या वो उनको सिखा रही है मैं। उसके इस फैसले से ससुराल वाले और नाराज हो गए, ससुर पति और दूसरे लोग मिलकर उसे और परेशान करने लगे। चल चल अंदर काम कर, बच्चों को देख, गाय भैंसों को देख, पढ़ना है। वो तो मैं रोज ही करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे नाना की मृत्यु पर अपने मायके जाने और 3 दिन तक वहाँ रुकने की सजा भी मेरी माँ को झेलनी पड़ी, इसके लिए उसकी जबरदस्त पिटाई की गई। इसके बाद तो मेरे पिता के जुल्म और ज्यादा बढ़ गए, वो माँ पर अपने पिता की जमीन का एक हिस्सा उसके नाम करने का दबाव बनाता और माँ के मना करने पर उसे खूब पीटता। आखिरकार ससुराल वालों के हर दिन बढ़ते हुए जुल्मों और तानों से थक हार कर माँ अपने मायके बाहु वापस आ गई। अब घर के साथ साथ मेरी नानी की जिम्मेदारी भी माँ पर आ गई, लेकिन माँ अब अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी। कुछ समय के बाद उसने यहीं पर अपनी खड्डी का काम शुरू कर दिया। मैं भी इसी सेंटर में अपनी माँ से खड्डी का काम सीखती हूँ और स्कूल जाने के अलावा घर के कामों में उसकी मदद भी करती हूँ। वो सभी लोग जो साक्षरता अभियान से जुड़े रहे हैं, चंद्रा ठाकुर के योगदान यानी मेरी माँ के काम की अहमियत को मानते हैं, क्योंकि माँ ने जीवन में अपने से ज्यादा दूसरों के लिए किया है। उसके जीवन और उसके संघर्षों ने बहुतों को जीवन जीने की एक नई राह दिखाई है। मेरी माँ के पास एक अनोखी शक्ति है, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो वो कभी हार नहीं मानती, थक कर बैठ जाना उसे आता ही नहीं। चुनौतियां रास्ता रोकने की बजाय उसे नया हौसला देती हैं। जिस काम को करने से सब मना कर देते हैं, माँ हंसकर वो काम करने को राजी हो जाती है। फिर वो चाहे दिसंबर जनवरी की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में घुटनों घुटनों बर्फ में चलते हुए बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का काम हो या दूर दराज के पहाड़ी गांव में लोगों को एड्स, रक्तदान, टीकाकरण या वृक्षारोपण इत्यादि के बारे में जागरूक करने का, या बेटी बचाओ खेती बचाओ आंदोलनों की अगुवाई करने का। पोलियो का हमारा अभियान होता है वो बर्फ के दौरान ही मैक्सिमम चलाया जाता है, और टफ एरिया यानी कठिन एरिया जहाँ पे है, गांव है जहाँ कोई भी जा सकता है,
तो वहाँ पर जाती है। पल्स पोलियो अभियान में जैसे हमारी दूर दराज की पंचायतें जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के इंटीरियर में पड़ती, वो सर्दियों में ही जनवरी और फरवरी में वो पल्स पोलियो अभियान शुरू होता और दवाइयाँ पिलानी पड़ती। जब वहाँ के लिए हेल्थ वालों के पास कोई लोग नहीं होते, तो दूर दराज के क्षेत्र में एक हमारी नवसाक्षर महिला जो चंद्रा खुद पहले पहल करती थी और इसके साथ बाकी लड़कियां भी निकलती थी। चंद्रा ने इस तरह से जो इसमें पल्स पोलियो अभियान में भी अपने इलाके से या अपने समाज से पोलियो को भगाने में या पोलियो को दूर, पोलियो से अपने बच्चों को बचाने में कितना योगदान समाज को दिया, वो चंद्रा जी की एक सफल कहानी। गाँव गाँव में एड्स के प्रति जो है जागरूक शिविर लगते हैं। ये लड़की हर या गांव में इम्यूनाइजेशन के सेशन लगते हैं, टीकाकरण होता है या नेशनल फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम है। ये लड़की जो है बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती है। साक्षरता अभियान के दौरान माँ ने गाँव की महिलाओं को शामिल करके एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया। 10-10 रुपए से शुरू होने वाला ये स्वयं सहायता समूह आज भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसके अलावा माँ ने दूसरे गांवों में भी स्वयं सहायता समूह बनवाए। इन्होंने एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया है ताकि ये एक इस समूह के माध्यम से अपनी गतिविधियों को अच्छे तरीके से चला सकें। अब ग्रुप बनाया था हमने, उसमें भी महिला आती थी तो उसमें भी उनको जानकारी मिलती महिला को कि ग्रुप का एक बनाना, उसमें पैसे भी जमा होते हैं और जानकारी हमें मिलती है। उनकी ही मतलब सहायता से जो है यहाँ पर एक सफल स्वयं सहायता समूह इस ग्राम पंचायत बाहू में चला हुआ है। गांव में आके इन्होंने बोला ऐसे ऐसे रखना भाई, ग्रुप बनाना। हमने फिर यहाँ पर बैठक कराई, तब जाके ग्रुप शुरू किया। ग्रुप को तो एक साल हो गया है जी, और इसमें 260 रुपये जमा करते हम, 20-20 रुपये राशि। पहले ग्रुप बनाए, उसके बाद हमें बताती है, नई नई जानकारी देती है कि ऐसा होता है वैसा होता है, फिर कहीं ले जाती है टूर पे ले जाना तो और मीटिंग पे ले जाना। वो आज भी अक्सर आसपास के गांवों की महिलाओं और लड़कियों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें किताबें पढ़कर सुनाती है, उनमें लिखी बातों पर बातचीत करती है और इसी तरह के दूसरे कार्यक्रमों में दूसरों को जोड़ती है। मेरी माँ की इन कोशिशों की वजह से आज बहुत सी औरतें साक्षर होने के साथ साथ अपने बच्चों की सेहत और स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक हो गई है। इतने लंबे समय से साक्षरता अभियान से जुड़े रहने और अपनी सामाजिक गतिविधियों के कारण आज मेरी माँ चंद्रा ठाकुर की अपने क्षेत्र में एक खास पहचान है। वो हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की जिला कार्यकारिणी की सदस्य है, वो बंजारखंड की संयुक्त सचिव भी है और मैं रीना इस सब में अपनी माँ के साथ हूँ। अपनी पंचायत से निकल करके ब्लॉक स्तर पर भी गई और जिला में कोई जैसे भी आज भी जिला कार्यकारिणी की मेंबर है, ब्लॉक में कोर ग्रुप की मेंबर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है और स्टेट में भी जब जिस तरह से स्टेट सम्मेलन होता उसमें दूर दराज तक जहाँ भी स्टेट का सम्मेलन होता चंद्रा जी पहुँचते। अपनी सारी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ मेरी माँ घर व खेत का सारा काम करती है। वो खेत में हल चलाती है, फसल की नलाई गुड़ाई और कटाई का काम करती है, जंगल जाकर ईंधन का इंतजाम करती है और इस सब के साथ वो खड्डी पर कपड़ा बुनती है। लड़कियों को खड्डी चलाने, बुनाई की बारीकियां समझाने और नए नए डिजाइन बनाने का प्रशिक्षण देती है। मैं जमीन का काम भी करती, खड्डी का काम भी करती और ज्ञान विज्ञान समिति का काम भी करती हूँ। उनके साथ उसके साथ बराबर जितना काम करना है, जहाँ प्रोग्राम होगा वहाँ भी जाएंगे, जहाँ ट्रेनिंग वगैरह होगी कोई ट्रेनिंग जैसे बोलेंगे फलाने जगह ट्रेनिंग है वहाँ भी जाऊँगी, वहाँ भी जाते रहते। तब निकली इनकी वजह, साक्षरता की वजह से हम इतने आगे निकले की हिम्मत बनी हमारे में। उनके अंदर एक तरह की इच्छा शक्ति कहूँगा मैं, वो प्रेरणा मिली उनको साक्षरता अभियान से। जब वो जुड़ी तो उनको ये प्रेरणा मिली कि बच्चों के कल्याण में जो है माताओं का एक विशेष योगदान होता है और उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने महिलाओं को गांव में जाकर के जागरूक किया। और हमारे लिए तो अपने परिवेश में, क्योंकि इसी परिवेश का रहने वाला हूँ, हमारे बड़ी गर्व की बात होती है कि हमारे एक ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी हुई महिला जो है एक इस तरह के कल्याणकारी समाज कल्याण के कामों में हिस्सा ले रही है, तो ये इसमें बहुत प्रभावित हूँ उनके व्यक्तित्व से। एक ये उदाहरण बन के सामने आई हैं कि किस तरह हमारी महिलाएँ शिक्षा के अभाव के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के बावजूद और गरीब परिवार में से संबंध रखने के बावजूद भी जो है वो बहुत अच्छे कार्य है साक्षरता के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और सामाजिक कुरीतियों को कम करने के क्षेत्र में जो कर रही हैं, ये एक बहुत मिसाल है। आज चंद्रा जी इतनी सक्षम है कि भाई हर जैसे दिल्ली तक भी पहुंची, मतलब
पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, राज्य और नेशनल तक, राष्ट्र तक पहुंच गई कि भाई कैसे साक्षरता आंदोलन ने चंद्रा जी के अंदर पता नहीं किस तरह का आत्मविश्वास डाला और चंद्रा जी इतनी सक्षम हो गई। आज भी कभी कभी जब मैं उनके बचपन के दिनों की कल्पना करती हूँ तो यकीन ही नहीं होता कि वक्त एक नन्ही सी जान को इतना मजबूत भी बना सकता है। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी उनमें जिंदगी जीने का अलग ही जुनून है। अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए वो अक्सर कहती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना ही अब उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अपने खड्डी सेंटर के माध्यम से सैकड़ों लड़कियों को बुनाई का हुनर सिखाकर वो इस दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण काम कर रही है। इसके अलावा वो समाज के कमजोर तबकों को आगे लाकर एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखती है जिसमें सबको अपनी बात कहने का मौका मिले, सबको न्याय और सम्मान मिले। इसके लिए वो ज्ञान विज्ञान आंदोलन और समाज सुधार के दूसरे कामों में शामिल रहती है। मैं एक लड़की हूँ और इसलिए मैं अपनी माँ की हर तकलीफ, उसकी हर इच्छा और उसके हर सपने को समझ सकती हूँ। मेरा भी एक सपना है, मेरी इच्छा है कि मुझ में भी माँ जैसी ताकत और हिम्मत पैदा हो सके ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और चंद्रा ठाकुर के उन सपनों को पूरा कर सकूं जो उन्होंने मेरे लिए देखे हैं। आज मुझे चंद्रा ठाकुर की बेटी होने पर गर्व है और अगर मैंने अपना सपना पूरा कर लिया तो मेरी माँ को मुझ पर गर्व होगा।